अगर आप जेके बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं विद मोस्ट इफेक्टिव लेक्चर्स एंड नोट्स, तो ज्वाइन करें हमारा जेके बैंक ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ 999 रुपीज़ पे करने हैं, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है नो ए इज बी, ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फ्रेंड्स, जब नो का रिलेशन होगा तो इस तरह से डायग्राम बनेगी, यानी कि नो ए इज बी। नेक्स्ट है नो बी इज सी, बी और सी का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, बी और सी की भी सेम डायग्राम बन जाएगी। अब उसने पूछा ऑल ए इज बी। फ्रेंड्स, जब ए और बी का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, फिर आल का या सम का रिलेशन नहीं हो सकता, यानी कि आल ए इज बी भी फॉल्स होगा, आल सी इज बी, सी और बी का भी नो का है तो आल का फॉल्स होगा, ए और सी का। तो फ्रेंड्स, ए और सी का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, जो रिलेशन नहीं होगा वो तो डेफिनेटली फॉल्स होगा। अगर आप जेके बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेके बैंक ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, और ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी इन ₹999। सो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। सम ए इज बी, कुछ ए बी नहीं है। फ्रेंड्स, जब उसने बोल ही दिया कि ए और बी का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, फिर थोड़ा या ज्यादा नहीं हो सकता, तो सम वाला भी फॉल्स होगा। सम सी इज बी, सी और बी का भी नहीं, फॉल्स होगा। नेक्स्ट ए और सी। फ्रेंड्स, ए और सी का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो यानी कि ये सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है नो ए इज बी, नो ए इज बी सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन राइट होगी। नेक्स्ट है नो सी इज बी। फ्रेंड्स, नो इसमें दिया गया है नो बी इज सी, कि बी का सी से कोई रिलेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब बी का सी से कोई रिलेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली सी का भी बी से आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी कि नो सी इज बी, बी ट्रू है। नेक्स्ट है नो ए इज सी। फ्रेंड्स, ए और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताया जिसका कोई रिलेशन नहीं होगा वो सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सम ए इज नॉट बी, ए और बी का कुछ रिलेशन नहीं है, यानी कि नो का रिलेशन है। उसने बोला नो ए इज बी। फ्रेंड्स, जब पूरा ए बी नहीं है तो जहां पे वो पूछ रहा है सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, अगर पूरा ही नहीं है तो थोड़ा भी नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सम सी इज नॉट बी, सी इज नॉट बी, बी और सी का आपस में नो का रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, जब आपस में दो पर्सन नो का रिलेशन बनाते, अगर आप जेके बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेके बैंक ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, और ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी इन ₹999। सो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। तो उनका सम नॉट भी बिल्कुल सही होगा, यानी कि अगर वो बोल रहा है बी का सी से नो का रिलेशन है तो सी का भी बी से आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, नो का रिलेशन होगा, यानी कि अगर पूरा सी बी नहीं है तो थोड़ा सी भी बी नहीं होगा, यही उसने बोला सम सी इज नॉट बी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही। नेक्स्ट बोला सम ए इज नॉट सी, तो फ्रेंड्स ए और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं होगा तो वो सीधा सीधा फॉल्स होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला गया सम ए इज नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है। मान लो फ्रेंड्स ये हमारा ए है, तो ए का कुछ पार्ट यानी कि ये वाला पोर्शन कुछ ए बी नहीं है। फ्रेंड्स अब ये वाला पोर्शन बी नहीं है, लेकिन बचा हुआ पोर्शन बी है या नहीं है हमें नहीं पता, तो इसका सम ए इज नॉट बी, सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगर आप जेके बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेके बैंक ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, और ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी इन ₹999। सो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। पूछा सम बी इज नॉट ए। फ्रेंड्स उसने बोला सम ए इज नॉट बी, बट सम बी इज नॉट ए है या नहीं है हमें नहीं पता, तो जिस बात का फ्रेंड्स हमें श्योर नहीं होगा वो सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सम ए इज बी, ए और बी का
फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा है कि ए और बी का सम नॉट का रिलेशन है, मतलब थोड़ा ए बी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जहाँ पे पूछ रहा है सम इज बी कि कुछ ए बी है, तो फ्रेंड्स नहीं है कुछ ए बी, तो फॉल्स होगा। जिस चीज का हमें पता नहीं हम क्यों उसे बोले ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट है ऑल ए इज बी, पूरा ए बी नहीं है, तो फ्रेंड्स सामने आपके दिख रहा है सम नॉट का रिलेशन है तो पूरा हो ही नहीं सकता, ये भी फॉल्स। नेक्स्ट है नो बी इज ए, सम इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है लेकिन वो बोल रहा है पूरा बी ए नहीं है। फ्रेंड्स थोड़ा ए बी नहीं है बट बी है या नहीं है हमें नहीं पता, तो जिस चीज का हमें नहीं पता है वो सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है नो इज बी, फ्रेंड्स उसने बोला कि कुछ ए बी नहीं है, थोड़ा ए बी नहीं है, बट अब वो पूछ रहा है कि पूरा ए बी नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स हमें ये पता है कि थोड़ा ए बी नहीं है, पूरा ए बी है या नहीं है जिस चीज का हमें पता नहीं वो सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। फ्रेंड्स स्टेटमेंट है आपकी ओनली ए इज बी, ओनली सी इज डी, नो ए इज डी। तो फ्रेंड्स ओनली ए इज बी होगा, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि ओनली को ऑल में बदलेंगे तो नेक्स्ट पर्सन इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि ओनली ए इज बी का बनेगा ऑल बी इज ए, नेक्स्ट बनेगा ओनली सी इज डी का भी ऑल डी इज सी, तो नेक्स्ट सेम रहेगा नो ए इज डी। तो फ्रेंड्स पहले आएगा ऑल बी इज ए, ऑल बी ए है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑल डी इज सी, डी और सी इनमें से जहां पे कोई पर्सन नहीं है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं नो ए इज डी, फ्रेंड्स ए और डी का नो का रिलेशन है, नो का रिलेशन होगा तो इस तरह से होगा ए और डी का। फिर जे लाइन पे आएंगे ऑल डी इज सी, सारी डी सी है, तो फ्रेंड्स सारी डी सी है। सम कंक्लूजन दिए हैं सम सी इज नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। फ्रेंड्स डी और ए का नो का रिलेशन है, यानी कि डी और ए का अगर नो का रिलेशन है तो सम नॉट का भी होगा, यानी कि जितना जो डी है इतना जो सी है वो ए नहीं है। तो बिल्कुल सही, जितना जो डी है इतना जो सी है वो ए नहीं है, जो होगा राइट। नेक्स्ट है सम सी इज नॉट बी, तो फ्रेंड्स अगर पूरा बी ए में है तो जो रिलेशन डी का ए से बनेगा या सी का ए से बनेगा वही बी से बनेगा, तो सेम सम सी इज नॉट बी भी ट्रू होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सम इज नॉट डी, सम इज नॉट डी, फ्रेंड्स ए और डी का नो का रिलेशन है, अगर नो का रिलेशन होगा तो सम नॉट का भी होगा। नो का यानी कि उसने बोला है पूरा का पूरा ए डी नहीं है, अगर पूरा ए डी नहीं है तो कुछ ए भी डी नहीं होगा, तो फ्रेंड्स ये भी राइट है। नेक्स्ट है सम बी इज नॉट डी, जो रिलेशन ए का डी से है वही बी का भी डी से होगा, तो फ्रेंड्स ये भी राइट होगा। नेक्स्ट है सम डी इज नॉट ए, सम डी इज नॉट ए, तो फ्रेंड्स ए और डी का आपस में नो का रिलेशन है, यानी कि नो ए इज डी, नो डी इज ए, अगर पूरी डी ए नहीं है तो थोड़ी डी भी ए नहीं होगी। फ्रेंड्स जो ए से रिलेशन बनाएगा डी वही बी से होगा, यानी कि सम डी इज नॉट ए, कुछ डी ए नहीं है, अगर पूरी नहीं है तो फ्रेंड्स थोड़ी भी नहीं होगी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सम डी इज नॉट बी, सेम मैंने अभी आपको बोला जो ए से रिलेशन बनेगा वही बी से, यानी कि ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नो ए इज सी, ए और सी का नो का रिलेशन बताना है। फ्रेंड्स ए और डी का है नो का रिलेशन, सी से नहीं है, यानी कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट है नो बी इज सी, फ्रेंड्स जो ए का रिलेशन है सी से वही बी का होगा, अगर ए से फॉल्स है तो बी से भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट है नो सी इज ए, नो सी इज ए, फ्रेंड्स नो डी इज ए है दिया हुआ, लेकिन सी का ए से नो का रिलेशन नहीं है, सी का ए से सिर्फ सम नॉट का रिलेशन बन रहा है वो भी डी के थ्रू, तो ये भी आपका फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है नो सी इज बी, तो फ्रेंड्स जो सी का रिलेशन ए से फॉल्स हुआ है बी से भी सेम रिलेशन बनेगा, यानी कि ये भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑल ए इज बी, ऑल ए इज सी, ऑल ए इज बी यानी कि पूरा ए बी है, मान लो ये हमारा ए है, ऑल ए इज
बी, यानी कि पूरा ए बी है। नेक्स्ट बोले आर। ये था हमारा आज का डेमो लेक्चर, और अगर आप फुल फ्लेज वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेके बैंक ऑनलाइन कोर्स। और ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको सिर्फ लेक्चर ही नहीं बल्कि नोट्स, प्रीवियस पेपर्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ये सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जस्ट इन 999 रुपीज़। सो गाइज, अगर आप रियलिटी में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हरी अब जल्दी से ज्वाइन करो क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। थैंक यू, बाय।